नेक्स्ट वाले नून्स पढ़ने जा रहे हैं, एड, एस और ई एस। अब इसमें भी क्या होते, केसेस होते। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे उसका रूल्स, लास्ट वाला रूल्स पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में क्या आता है, ओनली एफ आता है। क्या आता है? एफ आते हैं, तो उनको ओनली प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या ऐड होता है? ओनली एस ऐड होता है। क्या ऐड होता है? एस ऐड होता है। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको प्लूरल में चेंज करने के लिए या तो एस ऐड हो जाता है या फिर एफ का क्या बन जाता है? वी बन जाता है। एफ किस में कन्वर्ट हो जाता है? वी में कन्वर्ट हो जाता है और वी के साथ ई एफ जुड़ जाता है। इसी तरह हम एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ लेंगे। एग्जाम्पल है हमारा स्कार्फ, तो इसके पीछे क्या लास्ट में एंड में क्या एफ है, लेकिन इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम टू टाइप से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली एफ जोड़कर, और अगर एफ का वी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? एफ की जगह वी आ जाएगा और पीछे ई एस जुड़ जाएगा। समझ में आया? और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको भी प्लूरल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो ऑनली एस लग जाएगा या फिर एफ की जगह क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा और प्लस ई एस जुड़ जाएगा। समझ में आया आप सभी को कि कुछ कुछ केसेस होते हैं इनमें भी, तो ऐसे वर्ड जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे उनके तो परमानेंट क्या है? प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए ओनली एस जुड़ता है। और आज हमने पढ़ा कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में क्या आता है? एफ या फिर एफ ई आता है, लेकिन उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या ऐड होता है? या तो ओनली एस और एस ऐड हो जाता है, और अगर ई एस ऐड करेंगे तो एफ का क्या बन जाएगा? वी, और उसके साथ ई एस जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं, एल ई एस। ऐसे वर्ड्स या नाउंस होते हैं जो किससे एंड होते हैं? ओ से। किससे एंड होते हैं? ओ से। तो उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या ऐड हो जाएगा? ई एस। क्या ऐड हो जाएगा? ई एस। जो ओ से एंड होते हैं और प्लूरल में चेंज करने के लिए उनके पीछे क्या ऐड हो जाएगा? ई एस। लाइक हम एग्जाम्पल देते हैं टोमेटो, पीछे क्या है? लास्ट में एंड में क्या है? ओ है। तो इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या बन जाएगा उसका? टोमेटोज। इसी तरह और देखते हैं पोटैटो, एंड में क्या है? ओ है। नेक्स्ट एंड में क्या लग जाएगा? ऐड हो जाएगा ई एस। पोटैटो का बन गया पोटैटोज। और भी देखते हैं मैंगो, मैंगो इसके एंड में भी क्या है? ओ है। तो इसको भी प्लूरल में चेंज करने पर क्या बन जाएगा? मैंगो। पीछे ई एस ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये भी इजी था, समझ में आ गया ना? अभी हम कुछ समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ कुछ वर्ड्स ओ से एंड होते हैं। किससे एंड होते हैं? ओ से, लेकिन उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए उसके पीछे ई एस नहीं लगता, ओनली एस लगता है। क्या लगता है? ओनली एस लगता है। लाइक हम एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझते हैं फोटो, तो इसके एंड में क्या है? ओ है ना, तो उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या बन जाएगा फोटो का? फोटोज। इसी तरह हिप्पो, इसके भी एंड में क्या है? ओ है, लेकिन इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए इसके पीछे क्या ऐड हो जाएगा? एस ऐड हो जाएगा, तो हिप्पो का बन जाएगा हिप्पोज। इसी तरह और देखते हैं राइनो, इसके एंड में भी क्या है? ओ है, तो इसको भी प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या बन जाएगा? एस ऐड हो जाएगा, तो राइनो का क्या होगा? नाउंस कैसी होती है? जैसे कि लाइक उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए उनके बीच के वॉयल्स क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। लाइक फर्स्ट एग्जांपल है हमारा गूज। गूज को हिंदी में बोलते हैं बतख। बतखों का झुंड है या बहुत सारे बतख है, तो उसको
माउस का, तो माउस का क्या बन जाएगा, माइस। ओ यू और एस की जगह क्या आ गया, सी आ गया। तो इसमें भी कुछ कुछ क्या होते, केसेस होते हैं जो आपको पढ़कर याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मैन। अगर एक ही आदमी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओनली मैन बोलेंगे। और बहुत सारे हैं तो क्या बोलेंगे, उसकी एक ही जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो मैन का वापस मैन हो जाएगा। ओनली वॉवेल्स में चेंजेस आ गए, वॉवेल्स में बहुत सी जगह क्या आते हैं, वॉवेल्स में चेंजेस आकर सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। और देखते हैं वुमन। एक ही लेडी है तो उसको क्या बोलेंगे, वुमन। और बहुत सारी है तो क्या बोलेंगे, वुमन। ओनली ए और ई का चेंजेस हो गया, वॉवेल्स में चेंजेस। कुछ कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनको प्लूरल में चेंज करने के लिए कोई चेंजेस नहीं होता, उनके स्पेलिंग में कोई ना कोई एस लगता है ना कोई ई एस लगता है। लाइक हम एग्जांपल देखते हैं, शीप। अगर एक शीप है तो भी क्या बोलेंगे, उसको शीप बोलेंगे। और बहुत सारी है तो भी उसके लिए क्या ऐड हो जाएगा, ओनली वर्ड यूज होगा शीप। तो दोनों सेम है, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ आर सेम। नेक्स्ट देखते हैं हम डियर। तो डियर यानी कि क्या होता है, हिरण होता है। और उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए भी क्या आएगा, एज इट इज ये का ये वर्ड यूज हो जाएगा। इसी तरह आप सभी को ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं और नाउंस ऐसी होती है जिनको प्लूरल या सिंगुलर में चेंज करने के लिए कोई प्लूरल यूज नहीं होते। लाइक हम देखते हैं जीन्स। तो जीन्स को प्लूरल और सिंगुलर, इनका कोई प्लूरल और सिंगुलर नहीं होता, ओनली एक वर्ड होता है जीन्स। क्या है गॉगल्स, इनको भी प्लूरल में चेंज करने के लिए कोई एस या ईएस नहीं लगता, उनके पीछे ऑलरेडी एस लगा हुआ ही रहता है। और देखते पैंट्स। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको प्लूरल में चेंज करने के लिए या सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए कोई चेंज नहीं। सभी को ये जो मैंने रूल्स आगे के समझाए वो समझ में आ गए होंगे। और अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अनदर अपडेट्स। थैंक यू।